गुजरात के सूरत से खबर आ रही है। चलती ट्रेन में महिला से रेप की वारदात सामने आई है। आरोप रेलवे की कर्मचारी पर ही लगा है। पीड़ित महिला अरावली एक्सप्रेस से मुंबई से जयपुर जा रही थी और उसका ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं था। पीड़ित महिला के मुताबिक रेलवे के कर्मचारी ने टिकट कंफर्म कराने का झांसा देकर वो उसे पेंट्री कार में ले गया और उसके साथ वहां रेप किया। पीड़ित का ये भी आरोप है कि आरोपी ने उसे चलती ट्रेन से फेंकने की धमकी भी दी। पीड़ित महिला ने जयपुर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। चूंकि ये मामला सूरत का है, लिहाजा FIR को जयपुर से सूरत ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी की पहचान भी कर ली है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की जा रही है। 11:30-12 के करीब TT आया, तो TT ने बोला अभी चलान कटेगा 1500 का, तो हमने उसको मिस कॉल दे के बुलाया, हम भैया वो TT आया है। तो उसने बोला TT से बात करा, TT से क्या बात करी मुझे नहीं पता, वो डब्बे के अंदर चला गया था। अब मैं अंदर जैसे कि उसने शटर बंद कर लिया, उसने बिस्तर लगाया कि आप मेरे साथ यहाँ सो जाइए। मैंने कहा मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने बोला आप नहीं करोगे तो अपनी फ्रेंड को बुला दीजिए जो आपके साथ है, वो आ जाएगी। बोला कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं जितना भी स्टाफ है इसमें डब्बे में, जितना ही पेंट्री कार में जो काम करता है, सब आपके साथ गलत काम करेगा, नहीं तो आप मेरी बात मान लीजिए। मैंने तो अपना केस वापस ले लिया, लेकिन उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं कोई केस नहीं लड़ना चाहती।